दोस्तों क्या आप भी क्रोम पे जो आर्टिकल इंग्लिश में उन्हें हिंदी में पढ़ना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आर्टिकल फॉर यू जितने भी ये आर्टिकल यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे, जितनी भी हेडलाइंस आ रही हैं, इन्हें आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल ईजिली तरीके से, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। एक सेटिंग को ऑन कर लेना है, बस उस सेटिंग को जैसे ही आप ऑन करोगे ईजिली तरीके से दोस्तों जितने भी ये आर्टिकल ये न्यूज़ आ रही हैं उन्हें हिंदी में आप पढ़ सकते हो। जैसा कि दोस्तों आप इन्हें ओपन करते हो, यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ पर आपको जितने भी आर्टिकल मिल जाते हैं यहाँ पे आर्टिकल सारे आर्टिकल इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जितना कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे आर्टिकल इंग्लिश में होते हैं यहाँ पे, इन्हें आप हिंदी में कर सकते हो। ठीक है, इन आर्टिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे व्हाट्सअप बीटा 4 एंड्रॉयड यहाँ पे ये वर्जन दे रखा है, तो आप इस पर वीडियो बना सकते हैं या अपने फोन को जो व्हाट्सअप बीटा है उसे यूज कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप फेसबुक पर भी इस तरीके से बहुत सारे क्या कहते हैं ये पबजी पर भी बहुत सारे यहाँ पे न्यूज़ आते हैं, तो आप इन्हें न्यूज़ यूट्यूब पर न्यूज़ वीडियो बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से काम करने के लिए बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या होगा, उस सेटिंग को ऑन करने के लिए यहाँ पे हिंदी में पढ़ने के लिए आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे सेटिंग को अपनी फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना होगा। यहाँ पे स्क्रॉल करना है ईजिली तरीके से, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडिशनल सेटिंग का। यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लैंग्वेज एंड इनपुट का, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको आपकी फोन में कहीं पर लैंग्वेज मिल जाती है वहाँ पे क्लिक कर देना है सिंपल तरीके से। यहाँ पे लैंग्वेज आ चुकी है, यहाँ पे लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज पे क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आप जिस भाषा में करना चाहते हैं, यहाँ पे जिस भाषा में वहाँ पे आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं वही भाषा आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेनी होगी। जैसा कि हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ तो हिंदी में मैंने यहाँ पे भाषा को सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रही होगी भाषा हिंदी। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों यहाँ से वापस आ जाना होगा, हम अपने फ़ोन में से यहाँ से वापस आ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत देर यहाँ पे आपको वेट कर लेना होगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं पूरा फ़ोन हिंदी में चलेगा तो यहाँ पे आपका क्रोम ब्राउज़र भी हिंदी में कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत समय लग सकता है, आपके फ़ोन की कैपेसिटी के अनुसार वर्क करता है। यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा, जैसा कि क्रोम ब्राउज़र को ओपन यहाँ पर मैंने कर लिया है और यहाँ पर थोड़ी देर में आर्टिकल ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल 4 यहाँ पर आपको सर्चिंग वाला यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा होगा, सर्चिंग हो रहा है, थोड़ी बहुत देर में आपको यहाँ पे ना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आपके नेट की कैपेसिटी के अनुसार यहाँ पे आपको वर्क करता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम हुआ रिमूव, अब इस ऐप को नहीं। इस तरीके देख सकते हैं यहाँ पे फसल बीमा के लिए फिर ठगाए किसान, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मिल जाते हैं यूपी पुलिस वाला कांस्टेबल, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं न्यूज़ जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी। अब यहाँ पे आप टैप करते हो इस तरीके से, तो यहाँ पे आप टैप करने के बाद अंदर जाके इन्हें हिंदी में भी पढ़ सकते हो। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो हिंदी में पूरी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप न्यूज़ वीडियो भी बना सकते हो इस तरीके से, और इस तरीके से सारी चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आपको इंग्लिश में कैसे फिर से करना है, तो यहाँ पर सेटिंग में फिर से करना है क्लिक, और यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना है और आपको अतिरिक्त सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको भाषा और इनपुट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको भाषाएं क्लिक करना है, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको इंग्लिश इंडिया पे क्लिक कर देना है, ठीक है, इस पे क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिक आपका फोन और आपके सारे ऐप और आपके सारे ब्राउजर इंग्लिश में हो जाएंगे जैसा कि पहले से थे। अब दोस्तों यहाँ पे वेट कर लेते हैं थोड़ा बहुत, जैसा कि आपको यहाँ पे वेट कर लेना है, तो आपके फोन की कैपेसिटी के अनुसार यहाँ पे वर्क करता है। दोस्तों आप इंग्लिश में हो गया है और यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में फिर से चलते हैं। क्रोम ब्राउजर में चलने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्रोम ब्राउजर थोड़ा अपडेट होगा क्योंकि यहाँ पे भाषा मैंने फिर से इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आप इंग्लिश फिर पढ़ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके। आशा करता हूँ आप अपने क्रोम ब्राउजर के आर्टिकल को हिंदी में कर पाए होंगे, जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी, जानकारी को लाइक शेयर करना मत भूला करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।